कहा, बराबर बराबर बंटवारा कर देते हैं, एक बटा दो कर देते हैं, आधा तुम्हारा आधा हमारा। छोटे भाई ने कहा कि ऐसा नहीं है, आपने 70 साल की उम्र तक कमाया है, अब उसमें से आधा हमको मिलेगा। मैंने 40 साल की उम्र है, 40 साल तक कमाया हूँ, उसमें से आधा आपको मिलेगा। 70 और 40 में 30 वर्ष का फर्क है। मैं अभी जवान हूँ, आप बुजुर्ग हो गए हो, तो आप 20% ज़्यादा ले लो, और मैं अभी उम्र है कमाने की, तो जो 20% आपको ज़्यादा मिलेगा वो मैं 30 साल में और कमा लूँगा, तो बराबर हो जाएगा। जहाँ पर देने की भावना है वहाँ विवाद का अंत हो जाता है। छोटा भाई कहता है, अभी मेरी उम्र है, जवानी है, और मैं सर्विस में भी हूँ, और आप तो खेती बाड़ी करते करते सारा शरीर आपका मिट्टी में मिल गया है। देवरानी कहती है कि मैं भी टीचर हूँ, आप ज़्यादा ले लो। तो बड़े भाई ने कहा, जब ऐसी बात है तो हम तुम दोनों फिर एक ही में रहें तो ज़्यादा ठीक है। बंटवारा रद्द हो जाता है, क्या करोगे बंटवारा, किससे किससे बांटोगे? बाप बेटे में बंटवारा करो, फिर भाई भाई में बंटवारा करो, फिर अपने बेटों से बंटवारा करो, फिर पत्नी से बंटवारा करो, बांटते बांटते तुम चटनी हो जाओगे। कितने लोगों में मैंने देखा है पति पत्नी में भी बंटवारा है, पत्नी अलग भोजन बना रही, पति अलग बना रहा। तो मैंने कहा, ये कौन है आपकी? तो उसने कहा, ये हमारी वाइफ है। उनसे पूछा, ये कौन है? बोले, ये हस्बैंड है। तो हमने कहा, इंग्लिश पढ़े हो क्या? बोले, इंग्लिश पढ़े हैं पर हिंदी भी आती नहीं है, हिंदी में प्रेम करना नहीं मालूम है। कितनी ऊंची शिक्षा हो लेकिन जिसको गम खाना नहीं आता है, अपने आप को समझाना नहीं आता है, स्वयं को संतोष दिलाना नहीं आता है, अपने मन को डांटना नहीं आता है, वो व्यक्ति संसार में कभी सुखी नहीं रह सकता है। दूसरों को तो हर व्यक्ति डांटता है, लेकिन कभी कभी खुद को भी डांटा करो। तुम कितनी गलतियां कर रहे हो, तुमको कौन डांटेगा? तो स्वयं को डांटो, स्वयं को भी समझाया करो समय निकाल करके। और मनुष्य का स्वभाव है कि दूसरों में उसको गलतियां ही गलतियां दिखती हैं, और स्वयं की गलती भी ठीक दिखती है कि ये भी ठीक है, और तर्क करके सिद्ध भी करता है, वकालत करता है कि यही ठीक है। जिंदगी तर्क से नहीं चलती है, जिंदगी तो प्रेम से चलती है। बात को बढ़ाते जाओ तो बात यहां तक बढ़ जाएगी कि तुम खत्म हो जाओगे, बात खत्म नहीं होगी, और बात को खत्म कर लो तो तुम वहीं पर शांति पा जाओगे। कितने घरों में देखा जाता है पति पत्नी में इतना तर्क वितर्क होता है, बात करते करते रोज झगड़ा होता है। पत्नी भी बात को हारना नहीं चाहती है और पति भी हारना नहीं चाहता है, दोनों में महाभारत छिड़ी रहती है। पति की जीत पत्नी की जीत है और पत्नी की जीत पति की जीत है। विवाह होने के बाद तुम्हारे शरीर तो दो हैं लेकिन जिंदगी तो दोनों की एक ही है, इसलिए पति अगर जीत रहा है तो पत्नी को खुश होना चाहिए। तालियां थोड़ा जोर से बजाया करो। बहुत अच्छी ताली बजाया आपने, आपके ताली बजाने से हमारा जो बुद्धि है वो रिचार्ज हो जाती है। तो कबीर साहब कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा। गुण क्या चीज है? गुण को इंग्लिश में क्वालिटी कहते हैं। क्या कहते हैं?
क्वालिटी। और क्वालिटी का अर्थ क्या होता है? गुणवत्ता। आदमी की क्वालिटी का बहुत बड़ा फर्क है। जैसे रोटी तो सब स्त्रियां बनाती हैं, लेकिन सबके भोजन बनाने में फर्क है। किसी का भोजन बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा शुद्ध है, बड़ा स्वच्छ है, बड़ा साफ सुथरा है। किसी का भोजन खाने के लिए बैठो तो उसमें से कभी तो चेटा निकलता है, कभी मक्खी निकलती है, कभी उसमें से कोई मिट्टी की गिट्टी निकलती है। उस स्त्री से पूछो कि ये क्या निकला है, तो बताती है तुम चावल लाए थे उसी में था, मैं क्या करूँ, तर्क कर देती है। बनाने बनाने की कलाओं में भी अंतर होता है। दुकानदारों में भी क्वालिटी होती है, संत में भी क्वालिटी होती है, और जिसमें क्वालिटी डाउन है उसका खेल बिगड़ जाता है। संतों में भी क्वालिटी है, जो क्वालिटी के संत होते हैं उनकी डिमांड बहुत रहती है, और जिनकी क्वालिटी डाउन हो गई, डिमांड और सप्लाई दोनों बंद हो गई, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए संत बनो तो भी क्वालिटी के संत बनो। अच्छा वैराग्य होना चाहिए, अच्छा प्रेम होना चाहिए, आपका ब्रह्मचर्य का नियम अच्छा होना चाहिए, स्वभाव भी अच्छा हो, चरित्र भी अच्छा हो, सद्गुण अच्छे हो, सदाचार अच्छे हो, गम खाने की क्षमता भी हो, सहने की भी क्षमता हो, सब खो जाए तो भी रोने के लिए मत बैठना, और सब कुछ मिल जाए तो भी ज्यादा फूल कर मत बैठना। हमेशा खुश रहने का स्वभाव बनो। गुरु में भी क्वालिटी होती है, गुरु तो बहुत है, गुरुओं की कमी नहीं है। इतने गुरु हैं कि उतने चेला भी नहीं है, गुरुओं की भीड़ है, चेला कोई बनने वाला नहीं, सब गुरु हो गए। लेकिन गुरु गुरु में अंतर है। जो सुयोग्य गुरु है उसके शिष्यों की संख्या निरंतर बढ़ती है, और शिष्यों को भी अपने गुरु के ऊपर नाज रहता है। जब चर्चा होती है तो तुलसीराम कुर्रे रसोटा वाला बोलता है, हमारे गुरु असंग साहेब के दर्शन करो, ऐसे बोल देता है। और गुरु भी ऐसे बनो जो भक्त तुम्हारे ऊपर गर्व कर सके, संत ऐसे बनो जो तुम्हारे दर्शन करने वाले गौरव ऊंचा उठा सके, बाप ऐसे बनो कि बेटों को गौरव हो कि हमारा बाप इतना अच्छा है, पत्नी ऐसी बनो कि तुम्हारे पति को गर्व हो, हजार पत्नियों के बीच में तुम्हारी चर्चा कर सके कि मेरी पत्नी केवल पत्नी नहीं है, लक्ष्मी देवी का अवतार है। बेटा बनो तो कहना पड़े तुम्हारे माँ बाप को कि श्रवण कुमार से भी अच्छा है मेरा बेटा। कितने माँ बाप कहते हैं कि मेरा बेटा ऐसा है, कंस से कम नहीं है, जेल में भी पहुंचा दिया है। कितने बेटों ने अपने बाप को जेल में पहुंचाया है, कितनी बहुओं ने अपने सास ससुर को जेल में पहुंचा दिया। और जेल में किसी को जाना पड़े बड़ा दुख लगता है, लेकिन जेल में जितना सुख है उतना बाहर नहीं है। मैं आपको चुपके से बता देता हूँ, मैं 35 बार जेल गया हूँ। अपराध में नहीं गया हूँ, प्रवचन करने गया हूँ। ये मत सोचना गुरुदेव अपराध करके गए। 35 जेलों में प्रवचन दिया हूँ। अभी अभी मनावर की जेल में प्रवचन किया था। वहाँ जेल के अंदर भी लोग फूल माला अर्पण करते हैं। जेल में एक सबसे अच्छी बात है, जेल में अब खतरा कोई नहीं है। जिसको लगता हो बाहर हम सुरक्षित नहीं हैं, तो जेल में रहे ज़्यादा सुरक्षित है। दूसरी बात, जिसको ज़्यादा बुद्धि ना हो, काम ना कर पाता हो, रोटी भर का ना कमा पाए, तो जेल में रहे आराम से रोटी मिल जाती है। बहुत अच्छा कमरा रहने को मिलता, बिस्तर मिलता, बेड मिलता, कंबल मिलता, सब कुछ मिलता है।
लेकिन जेल में तुम्हारा परिवार नहीं मिलता है, जेल में स्वतंत्रता नहीं है। और याद रखना, बिना स्वतंत्रता के महल में भी सुख नहीं रहता है, और झोपड़ी के अंदर अगर तुम स्वतंत्र हो तो वहां भी सुख एहसास होता है। इसलिए जेल में जाने वाला कोई कर्म ना करना, और फिर भी कोई गलत फंसा दे और जेल में जाना पड़े तो फिर हंसते हंसते जाना और कहना कि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि का दर्शन करने जा रहा हूं। कृष्ण का जन्म तो जेल में हुआ था। हमारे देश का भगवान भी बड़ा अनोखा है, उसका जन्म जेल में हुआ है। भगवान ने भी जेल में जन्म लेकर दिखा दिया कि मैं तो जेल में पैदा हुआ हूँ, और तू जवानी में जेल में आया है तो रोता है, अरे रह ले, ये मेरी जन्मभूमि है, इसका दर्शन कर। कभी कभी आपको लोग गलत भी फंसा देंगे, जेल में जाना पड़ जाएगा, पर अपनी तरफ से जेल में जाने वाली गलतियां मत करो, जेल में जाना ना पड़े। और कोई गलत तरीके से झूठ मोट फंसा करके जेल में भेज दे तो रोना धोना मत। अपनी वाइफ से कह देना फूलों का हार पहनाओ, ठाट से जा रहा हूं, कोई बात नहीं, फिर निकल के आ जाऊंगा। जब कर नहीं तो डर नहीं, गलत फंसाया है कोई बात नहीं। जेल में जितने लोग बंद हैं उसमें 20% लोग गलत फंसाकर बंद किए गए हैं। मैं अपराधियों से पूछा हूं, अपना घर तो स्वतंत्रता का स्थान है, इसलिए तुम कभी आश्रम में जाते हो, 3 दिन रहते हो, चौथे दिन कहते हो अब चलो घर चले, गुरुजी से अब निवेदन कर लेते, छुट्टी दे दे, घर चले, छुट्टी मांग लेते लो। तो मैं पूछता हूँ कोई तकलीफ है और रहो, बोले नहीं गुरुदेव अब घर चलते हैं। तुम 5-स्टार होटल में भी रुक जाओ 2 रात, फिर तुम कहोगे घर चलते हैं। ससुराल में जाओ रहो 10 दिन, फिर तुम कहोगे चलो घर चले, जबकि वहां तुमको सब जीजा जीजा कहते हैं, जमाई जी कहते हैं, फिर भी तुम वहां जम नहीं सकते हो, चल देते हो। क्यों चल देते हो, क्या कारण है? क्योंकि 2 चीजें दुनिया में कहीं नहीं मिलती, इंसान को केवल घर में मिलती है। नंबर 1 स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। नंबर 2 अधिकार। जो घर में तुम्हारा अधिकार है, तुम किसी रोज कह सकते हो आज अरसा रोटी खाएंगे, किसी रोज कह सकते हो आज खीर पूड़ी खाएंगे, गुलगुल भजिया खाएंगे, लेकिन दूसरी जगह इतना अधिकार नहीं है। घर में ये भी अधिकार है, टेबल उठाकर यहां से वहां रख दो, इस कमरे से बिस्तर उस कमरे में कर लो, लेकिन सब जगह तुम बिस्तर भी चेंज नहीं कर सकते हो, और स्वतंत्र नहीं हो, अधिकार नहीं है। और जहां अधिकार है उसका नाम तुम्हारा घर है, इसलिए घर सबको प्रिय लगता है। इसलिए तुमने 20 लाख का घर बनाया हो, पर कोई चिड़िया आती है तो तुम्हारे घर के भीतर अपना घर बनाती है, वो तुम्हारे घर में नहीं रहती। चिड़िया से पूछो तू मेरे घर में रहती, वो कहती नहीं मेरा घर वो अलग है, तुम्हारे घर में घर बना लेती है, और अपने घर में वो स्वतंत्र सोती है और स्वतंत्र जागती है, और स्वतंत्र अपने बच्चों से बातचीत करती है। आपके घर में आपकी स्वतंत्रता है, इसलिए अपने घर को कभी मत बिगाड़ना, घर को डिस्टर्ब मत करना। और याद रखना, बिगड़ने में तो मिनट ही लगते हैं, पर संभालने में तो वर्षों लग जाते हैं। बने हुए खेल को बिगाड़ने का प्रयास मत कीजिए। एक विद्यार्थी लखनऊ में पढ़ रहा था तो कह रहा था मेरे घर में इस समय बड़ी खटर पटर चल रही है, कुछ भाई भाई में है, कुछ पिता पुत्रों में है, अब मेरे ऊपर मामला सब टिका हुआ है, लेकिन मैं अपने घर को तोड़ने में कारण नहीं बनना चाहता हूँ। मैंने घर वालों से कह दिया है कि मुझको 1 रुपया मत देना, ना 1 किलो दाल चावल देना,
लेकिन घर टूटना नहीं चाहिए, घर में बंटवारा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी मेरी सोच के कारण आज 25 साल से घर प्रेम के धागे में बंधा हुआ है। एक आदमी की भूल पूरे संगठन को बिगाड़ती है। और याद रखना, संगठन टूटने के बाद जिसने भूल किया है, जिसने गलती किया है, उसको बड़ा पश्चाताप होता है, क्योंकि वो भी मिट्टी में मिल जाता है, बर्बाद हो जाता है। संगठन को संभाल कर रखिए। राजनीति में आप काम कर रहे हैं, जिस पार्टी में काम कर रहे हो, तसल्ली से उसमें लगे रहो। कभी टिकट न मिले फिर भी निकट रहो। ऐसा नहीं टिकट के लिए नाराज होकर के पार्टी छोड़ दिया। फटाफट पार्टी बदलोगे तो पता चलेगा किसी पार्टी के नहीं रह जाओगे, क्योंकि जिस पार्टी को छोड़कर तुम जा रहे हो दूसरी पार्टी में, उस पार्टी के लोग भी विचार करते हैं कि 20 साल से उस पार्टी में काम कर रहा था, उस पार्टी का जब नहीं रहा तो ये मेरी पार्टी का कब होगा। ये धोखेबाज है, इससे सावधान रहना, इसको बड़ा अधिकार और पद कभी नहीं देना। तुम्हारी इज्जत वहां भी नहीं रहेगी। और ये भी कहूंगा, अगर पार्टी बदलने की भी नौबत आ जाए तो बदलना तो जिंदगी भर के लिए बदल देना, फिर उसी में रह जाओ, उन्हीं की पार्टी के हो जाओ। और राजनीति की भी उम्र बहुत लंबी होती है। 80 साल मेहनत करने के बाद सफलता मिलती है, 60 साल मेहनत के बाद सफलता मिलती है, और कभी कभी एक महीने की मेहनत से भी सफलता मिल जाती है। लेकिन फोकट में मिली हुई सफलता को संभालना बड़ा कठिन होता है। फिर आदमी विचार नहीं कर पाता है, उल्टा पलटा डिसीजन लेता है, क्योंकि बिना मेहनत के लड्डू खाता कम है आदमी नाली में फेंकता जाता है। और जिसने मेहनत करके लड्डू बनाए हैं वो लड्डू खाता भी है, और फिर हाथ में जो लगा रह जाता है उसको चाटता भी है, और लड्डू को संभाल कर रखता भी है। इसलिए मेहनत से जो सफलता मिलती है उसकी कीमत हमारी नजरों में रहती है। भाग्य का भरोसा करके मत बैठे रहना, कर्म की कलम को लेकर के भाग्य की रेखाओं को बदल डालिए। कर्म की कलम से भाग्य की रचना कीजिए। ये रोज रोज किसी ज्योतिषी को हाथ मत दिखाइए। मैंने भिखारियों का भी हाथ देखा है, मैं रेखा शास्त्र का ज्ञानी हूं, हस्तरेखा का विद्वान आदमी हूं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं इसको बारीकी से। मैंने देखा है भिखारियों के हाथ में भाग्य रेखा बहुत अच्छी, बुद्धि रेखा बहुत अच्छी है। तो मैंने भिखारी से पूछा, इतनी अच्छी बुद्धि रेखा है फिर भी भीख मांग रहे हो? तो उसने जवाब क्या दिया, अगर इतनी बुद्धि ना होती तो दूसरे की जेब से फोकट में पैसा निकालते कैसे हो? हाँ तो हमने कहा भीख मांगते हो, कुछ और कर लेते। मुझे कुछ और तो बुद्धू लोग करते हैं, बुद्धिमान तो फ्री में ही खाते हैं, ऐसी बात मेरे से कर रहे थे। तो हमने कहा बस कोई बात नहीं, बोले और कोई बात हो बताओ, उत्तर दे देता हूं। भाग्य रेखा तो अच्छी है, बुद्धि रेखा अच्छी है, लेकिन कर्म अच्छे नहीं, इसलिए भीख मांगना पड़ रहा है, उल्टा पलटा तर्क कर रहे हैं। और भाग्य रेखा आपके कर्मों के प्रभाव से, स्वभाव के प्रभाव से चेंज भी होती रहती है। कितने लोगों के हाथ की भाग्य रेखा मिट गई है, पहले अच्छी थी बचपन में फिर मिट गई, क्योंकि उल्टा पलटा काम करने लगे, उल्टा पलटा स्वभाव, उल्टा पलटा आचरण, तो भाग्य रेखा खत्म हो गई, अभागे हो गए। और कितने लोगों के हाथ में भाग्य रेखा थी ही नहीं, लेकिन सुंदर स्वभाव, सुंदर आचरण से, सुंदर कर्मों से, सुंदर वाणी से अपने भाग्य की रेखा को भी उदय कर लिया है, और सितारा उनकी किस्मत का चमक रहा है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, भाग्य रेखा के भरोसे भी मत बैठे रहना, पति पत्नी दोनों जुट करके मेहनत करना। माताओं बहनों से कहूंगा, ज्यादा बाल सुधारने में भी टाइम मत गंवाना,
स्त्रियां बुद्धिमान तो होती हैं, लेकिन सारी बुद्धि का प्रयोग ये बाल सुधारने में लगा देती है। इनकी बुद्धि और इनका टाइम ज्यादातर बालों को सेट करने में लगता है। और बुद्धिमान तो जरूर है, क्योंकि इनके बाल जब मैं देखता हूं तो जितनी तुम स्त्री देखोगे उतने ढंग के बाल इन्होंने मोड़ा है, तोड़ा है, झुकाया है, लटकाया है। मैं तो मुस्कराता हूं कि हद हो गई, बाल भी रोते होंगे किस चक्कर में फंस गए, राम राम। इतना अगर ये पूरा दिमाग किसी उन्नति में लगा दे, विकास में लगा दे, तो चार चांद लगा सकती हैं, पुरुषों को बहुत पीछे छोड़ सकती हैं। लेकिन इनका ये दिमाग खोपड़ी भर में लगा रहता है बालों में। बालों का कोई महत्व नहीं है, इनको कंघा से खींच करके बांध दीजिए और जिंदगी को सजाने के लिए, कर्म करने के लिए संकल्पित हो जाइए। अपने चरित्र को सुंदर बनाइए और ऐसे डिसीजन लेकर के एक्शन कीजिए कि जिंदगी में हर अखाड़े में सक्सेस हो करके सफलता और शांति दोनों को प्राप्त कीजिए। दूसरा मैं कहूंगा, बुद्धिमान तो दुनिया में बहुत लोग होते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाते। कभी कभी बुद्धिमान लोग इस बात को कहते रहते हैं कि घर वालों ने हमारी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाए। बुद्धिमान अपनी बुद्धि का स्वयं प्रयोग करता है, बुद्धू ही इस बात का भाषण देता है कि लोग मेरी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाए। अगर तुम बुद्धिमान हो तो तुम्हारी बुद्धि का प्रयोग बुद्धू कैसे करेगा? अगर तुम बुद्धिमान हो तो तुम बुद्धुओं की बुद्धि का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि का तो स्वयं प्रयोग करोगे, बुद्धू लोग तुम्हारी बुद्धि का प्रयोग कैसे करेंगे? ये सब बहानेबाजी है। कितने लोग बहाना करते हैं कि हमने पापा के कारण हम विकास नहीं कर पाए, कोई कहता मम्मी के कारण हम विकास नहीं कर पाए, कोई कहता मेरी पत्नी इतनी दुष्ट मिली उसके कारण हम विकास नहीं कर पाए। याद रखना, अब्राहम लिंकन से ज़्यादा दुष्ट पत्नी और किसकी हो सकती है? अब्राहम लिंकन उस व्यक्ति का नाम है जिसकी पत्नी प्योर गालियाँ बकती थी, उदंड व्यवहार करती थी, खाना भी नहीं खिलाती थी। वो अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव लड़ने के बाद हार जाता है और 16 बार फिर चुनाव लड़ता है और जीत करके राष्ट्रपति बनता है। तुम जैसे पति को पाकर के जब तुम्हारी पत्नी गाली देने में नहीं थकती है तो तुम गाली सुनने में क्यों थक जाते हो? उसको तो मेहनत पड़ती है गाली देने में, तुमको सुनने में कोई मेहनत नहीं है। तुम समझ लो ये हमारे यहाँ का अविद्या कांड शुरू हो गया है। लेकिन नारियों से मैं कहूँगा, आज मेरे सामने मन मन में संकल्प ले लेना, इस पवित्र मुख से गालियाँ मत निकालना, गम खा लेना, गुस्सा को कंट्रोल कर लेना, भजन गाना और अपने पति को ऐसे ऐसे भजन गाकर सुनाना कि तुम्हारा पति भी मुस्कराए और उसकी भी टेंशन कम हो जाए, ऐसे गीत सुनाना। अभी राजस्थान में मेरा कार्यक्रम था, वर्षा ऋतु के समय एक घर में मैं पधरौनी गया था, तो वहाँ एक आदमी आया था। उसने कहा, गुरुदेव 2 मिनट का समय दीजिए। हमने कहा क्या करोगे? बोले मेरी वाइफ भजन सुनाएगी आपको। मैंने कहा तुम? बोले मैं श्रोता हूँ, वो गायिका है। तो हमने कहा तो उसका क्या सुनना है? बोले नहीं, मेरी वाइफ का भजन मुझे बहुत अच्छा लगता है और गुरुदेव आप भी सुन लो। तो मैंने उनकी वाइफ से पूछा, तुम क्या करती हो माताजी? तो उसने कहा मैं शिक्षिका हूँ, प्रिंसिपल हूँ। तो मैंने कहा गा दो माताजी। तो वो इतनी होशियार वो महिला थी कि मैं चरण पखारने जा रहा था, भक्त लोग पखारने जा रहे थे तो चरण पखारने वाला गीत गाया, फिर नाश्ता करने जा रहा था तो नाश्ता वाला भजन सुनाया, फिर आराम करने जा रहा था तो आराम वाला सुना दिया, फिर प्रवचन करने जा रहा था तो प्रवचन वाला सुना दिया। तो हमने कहा ऐसी महिला तो कभी जिंदगी मिली नहीं। तो उसके पति ने कहा, गुरुदेव ये तो मेरे को भाग्य से पत्नी मिली है, नहीं ऐसी पत्नी नहीं, और आपको भक्त मिल गई है, इसका भजन सुनना चाहिए। तुम्हारे भजन सुनने के लिए तुम्हारा पति भी लालायित रहे। और पतियों की वाणी सुनने के लिए पत्नियां लालायित रहे। कम बोलना, तौल कर बोलना, संभल कर बोलना, साथ साथ में जरूरत की बात बोलना। याद रखना, अपने घर में कम बोलने वाले लोग ज़्यादा आदर पाते हैं और ज़्यादा बोलने वाले लोग
घर में लोग जानते उनको क्या कहते हैं, खोपड़ी में उंगली मारते हैं और कहते थोड़ा क्रेक माइंड है, बिना ब्रेक माइंड है क्रेक माइंड है। इसलिए घर में ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, पर इतना कम भी मत बोलो जो सब कार्य व्यवस्था बिगड़ जाए, थोड़ा बोलना भी पड़ेगा। दूसरा कोई अच्छा बोले तो उसी को धन्यवाद दे दो, ठीक है करो, अच्छी बात है, दूसरों को अवसर देते चले जाइए। अपने घर के लोगों को गुणवान बनाओ, कलाकार बनाओ, और अच्छे अच्छे गुणों को सीखने के लिए भी दिल खोल कर रहो। कहीं से भी कुछ सीखने को मिल जाए सीखो, अच्छी बात। 7 वर्ष तक सीखने के लिए अर्जुन देवलोक में गए थे, इंद्रलोक में गए थे। 7 वर्ष सुरपुर ही सिधाए, देव अस्त्र सब सीख कर आए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गुरु वशिष्ठ के आश्रम में सीखने के लिए गए थे। कृष्ण और सुदामा संदीपन गुरु के आश्रम में उज्जैन में सीखने के लिए गए थे, संस्कार प्राप्त करने गए थे। भगवान को भी सीखना पड़ता है, संस्कार प्राप्त करना पड़ता है, तो हम आप तो साधारण इंसान हैं, आप यहाँ क्या करने आए हो, आप भी तो यहाँ संस्कार प्राप्त करने के लिए आए हो, सीखने के लिए कुछ आए हो। और संस्कार तो बुढ़ापे में भी प्राप्त किए जाते हैं, ऐसा नहीं कि बचपन में, बुढ़ापे में भी। पूरी जिंदगी शिक्षा शास्त्र है, पूरी जिंदगी ट्रेनिंग सेंटर है, जीवन भर सीखना पड़ता है। आज का सीखा हुआ कल काम नहीं आता है, कल कुछ नया आता है तो नया सीखना पड़ता है। जिंदगी हर रोज नए पलों में गुजरती है, नए क्षणों में गुजरती है, नई तरंगों में गुजरती है। जिंदगी नई उमंग लेकर आती है, नई तरंग लेकर आती है, नया ढंग लेकर आती है। इसलिए जिंदगी को सही ढंग से जीने के लिए रोज रोज आपको नए नए अंदाज में सीखना पड़ेगा, नए नए अनुभव से गुजरना पड़ेगा, तब जिंदगी में शांति पाओगे। इसलिए कभी कभी आप देखते होंगे बड़े बड़े कद्दावर नेता बुरी तरह से हारते हैं। नेता कद्दावर है और हार गया गद्दावर से, कैसे हारा? क्योंकि उसको अभिमान था कि मैं इतना बड़ा नेता हूं, मैं बड़ा सुलझा हुआ हूं, पुराना अनुभवी हूं, ये है वो है। पर जिंदगी बदल गई, दुनिया बदल गई, लोग बदल गए, लोगों की सोच बदल गई, गांव बदल गए, गलियां बदल गईं, लोगों के विचार बदल गए, मांगें बदल गईं। वो नेता कद्दावर है, पुराना है, अनुभव पुराना है, और पुराने फार्मूले से नई दुनिया को हल नहीं किया जा सकता है, वो नेता हार जाता है। उसको नए पैटर्न से काम करना पड़ेगा, तब राजनीति के अखाड़े में सफलता मिलेगी। बहुत बड़ा परिवर्तन होता जा रहा है। अभी जैसे मैं प्रवचन दे रहा हूं तो मेरा प्रवचन लेटेस्ट है, पुराने साधु संतों जैसा मेरा प्रवचन नहीं है, क्योंकि मैं समझ गया दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, अगर उस मॉडल का प्रवचन करूंगा तो मैं पीछे चला जाऊंगा। आज लोगों की जरूरत क्या है? लोग शांति चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, आनंद चाहते, उन्नति चाहते, धनवान बनना चाहते, मकान अच्छा बनाना चाहते, गाड़ी बनाना लाना चाहते। मैं जब गुरुमंत्र देता हूं तो लोगों को कभी कभी संकल्प लेता था कि संकल्प करो, मैं संकल्प करता हूं कि अच्छा मकान बनाऊंगा, अच्छी गाड़ी लाऊंगा, गुरुजी को भी बिठाऊंगा, ऐसा संकल्प। मेरे को तो बैठने का मौका बहुत कम मिलेगा, लेकिन मैं सोचता हूं मेरा कोई भक्त गरीब न रहे, सबके सुंदर मकान हो, सुंदर गाड़ी हो, और सुंदर लाड़ी हो, और सुंदर व्यवस्था हो, सब भक्त खुशहाल। कृष्ण भगवान बनकर के भक्ति करो, मीराबाई बनकर महलों में भक्ति करो। गरीबी को लाखों कोस दूर भगाना है। नशा व्यसन मत करना। आज मैं कुछ फार्मूले बता देता हूं, तुम्हारे घर की गरीबी भाग खड़ी हो जाएगी। 1, आपस में सलाह करके काम करो। 2, घर में जो बुद्धिमान हो, होशियार हो, जिसका डिसीजन क्लियर हो, उस व्यक्ति को मुखिया घर का बनाइए। चाहे बहू हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे माँ हो, चाहे आपके पिता हो, पुत्र हो, कोई हो, पोता हो, उसको अगुआ बनाइए, जो सबसे बुद्धिमान है, गुणवान है, जिसका डिसीजन टॉप का रहता है, और उसके डिसीजन के अनुसार एक्शन करते रहिए। वो कहता बाएं मुड़ तो बाएं मुड़ जाओ, कहे दाएं मुड़ तो दाएं मुड़ जाओ। फिर सब लोग मनमानी मत करो। कितने घरों में तो हर व्यक्ति मालिक है, सबके हाथ में स्टीयरिंग है, पीछे बैठने वाला कोई है ही नहीं, घर की हालत खराब हो गई। स्टीयरिंग उसको पकड़ा दो, उसको सहयोग दीजिए।
व्यसन और विलास मत कीजिए, एक रुपया भी आपका नशा पर खर्च नहीं होना चाहिए। अनावश्यक खर्चे रोक दीजिए, आवश्यक खर्चे शुरू कीजिए। जो जरूरत है उस सामान को खरीदिए, बिना जरूरत का कोई सामान मत लाइए। एक मिनट भी समय अपना मत गंवाइए, न ताश खेलिए, न ताश खेलने वालों को देखिए। क्रिकेट हो रहा है उसको देखने में भी टाइम मत बर्बाद करो। तुम कभी सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते हो, अपने घर के विकास में छक्का मारो, यही सचिन तेंदुलकर की जीत होगी।